मोदी अमित शाह के प्लान के बाद ममता दीदी के होश उड़ गए हैं, तो ओवैसी ने बंगाल में बड़ी चाल चलने की कोशिश की है। आखिर बंगाल की राजनीति में हो क्या रहा है, आज यही आपको बताएंगे और ध्यान से आखिरी तक इस खबर को देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। बिहार इलेक्शन इधर खत्म हुए, एनडीए ने किला फतह कर लिया, नीतीश सीएम बन गए, सब कुछ दोबारा से सेट हुआ। कुछ दिनों के रिलैक्स के बाद अब निगाहें बंगाल की ओर है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे पूर्वी राज्य राजनीति के नजरिए से अहम है। वामपंथ की जमीन और खुद को धर्म निरपेक्षता की धुरी मानने वाला राज्य है। अमित शाह और मोदी की बंगाल को जीतने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी बीच अब ओवैसी ने एंट्री मार दी है बंगाल की राजनीति में, ममता दीदी को उन्होंने ऑफर दे दिया है, यानी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में TMC यानी ममता बनर्जी को साथ में चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कहा है कि बीजेपी को साथ मिलकर हराएंगे। ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव से पहले गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। अब ममता बनर्जी इस पर क्या निर्णय लेती है, ये उनके ऊपर है, लेकिन एक सवाल उन्होंने खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए उन्हें AIMIM से हाथ मिला लेना ठीक होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं कि एक से लड़ाई के चक्कर में दूसरे को दुकान खोलने के लिए जमीन दे देना, अपने ही गढ़ में अपने ही सहारे किसी और का किला तैयार करने में मदद करना। सीएम ममता बनर्जी के जहन में अगर ये सवाल नहीं आया तो उन्हें बिहार चुनाव के नतीजे एक बार फिर से देख लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए, या फिर अखबारों की सुर्खियों पर सरसरी निगाहें डाल लेनी चाहिए। ओवैसी को इतना आत्मविश्वास आया कैसे, सवाल तो बहुत बड़ा है। आजकल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बड़े आत्मविश्वास में है। उनके आत्मविश्वास की वजह क्या है, वजह है बिहार चुनाव। ओवैसी ने बिहार चुनाव में एंट्री ली थी, उन्होंने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया, इसमें कुल 6 पार्टियां शामिल थी। ओवैसी ने अनुमान लगाया था कि वो कम से कम 10 सीटें ले जाएंगे। चुनाव हुआ और उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर 5 सीटों पर कब्जा जमाया। ओवैसी की उम्मीद से आधी सीटें लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी हैं, यानी पुरानी पार्टी वाले चिराग के हाथ खाली रह गए और ओवैसी मलाई ले गए। जी हां, ओवैसी मलाई ले गए। ओवैसी की एंट्री से ममता को अब कितना नुकसान होगा बंगाल चुनाव में, ये सवाल उठता है। AIMIM की एंट्री को TMC खतरे के रूप में देख रही है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और TMC के बीच होना तय है, वहीं बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई ममता से है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से उतरी तो इसका सीधा नुकसान ममता को ही झेलना पड़ सकता है। हालांकि ओवैसी का ये ऑफर ऐसे समय पर आया है जब ममता पूरी तरह से इस मूड में नहीं दिख रही है। हाल ही में ममता बनर्जी ने AIMIM पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें कुछ बाहरी लोगों ने परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं जनता को। इसी के साथ उन्होंने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का भी आग्रह किया था। ओवैसी का स्टैंड क्या होगा, सवाल यह है। ये बिहार चुनाव के बाद ओवैसी खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रहे हैं। अभी उन्होंने सीएम ममता को साथ आने का ऑफर दिया है, यह उनकी कूटनीतिक चाल है जिसके तहत वो धर्मनिरपेक्ष दलों को भाजपा का डर दिखाकर अपनी ओर बुला सकते हैं, उनके साथ खड़े होने का दावा कर अपनी शरण के भरोसे शिकंजे में ले रही है ताकि आगे कट्टरपंथ को राजनीतिक रुख भी दे सके। बिहार में सफल होने के बाद उनकी यही मंशा पश्चिम बंगाल में है। अब नजर एक समीकरण पर भी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं और ममता बनर्जी 2016 के चुनाव में जीत हासिल कर अपनी शक्ति साबित कर चुकी। हालांकि ओवैसी ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि वो 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एंट्री लेंगे। बंगाल में भाजपा के बढ़ते ग्राफ और ओवैसी के बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने
टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी की चिंताओं को बढ़ा दिया था। इस तरह से ममता बनर्जी दो तरफा चुनौतियों से घिर चुकी हैं और देखना होगा कि इधर तो मोदी और अमित शाह का प्लान है और इधर ओबीसी की चालबाजी। आखिरकार चालबाजी ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएंगी या फिर मोदी अमित शाह अपने प्लान से ममता को किनारे लगा देंगे। वैसे भी अमित शाह ने जो कहा था लोकसभा चुनाव में तो वही हुआ था और अब तो उन्होंने अपना डेरा वहां पर जमा लिया है। देखना समझना दिलचस्प होगा। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर घंटी दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और सबसे बड़े नेटवर्क हेडलाइंस इंडिया के साथ बने रहिए। नमस्कार।